प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद की कहानी जंजीर बनाने की सोची, तो जंजीर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो भी आप कह सकते हैं। जंजीर की स्क्रिप्ट के अंदर कोई गाने वाने का डांस का स्कोप नहीं है, जो हीरो का रोल है विजय का। तो प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले अप्रोच किया शम्मी कपूर को। शम्मी कपूर साहब ने कहा कि यार इसमें कोई डांस वांस नहीं है, गाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ये पुलिस वाले का रोल करके। इस तरह से शम्मी साहब ने रिफ्यूज कर दिया। फिर प्रकाश मेहरा ने अप्रोच किया देवानंद को। देवानंद को रोल तो पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा यार कुछ बात ऐसी है कि तुम प्रकाश मेरे, मैं प्रोड्यूस करूंगा, नवकेतन प्रोड्यूस करेगा जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम था, और तुम डायरेक्ट करो। अब की बार ये ऑफर प्रकाश मेहरा को पसंद नहीं आया, यहां पर भी बात नहीं बनी। फाइनली इधर उधर की जिद्दोजहद करते हुए प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर पहुंचे राजकुमार के पास। राजकुमार ने प्रकाश मेहरा से कहा कि भाई कहानी तो पसंद है, लेकिन क्या है इस फिल्म की शूटिंग मद्रास में करो यार। जाहिर है कि वो किसी और की फिल्म शूटिंग मद्रास में कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि मद्रास में कर दो। प्रकाश मेहरा ने कहा कि नहीं जी, फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो तो बंबई का है, मैं मद्रास में तो नहीं कर सकता हूँ। और ये जो है ये प्राण साहब की किताब में इसका जिक्र है, लेकिन मार्केट में मैंने एक बात और सुनी है कि जब प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को अप्रोच किया तो राजकुमार ने कहा कि भाई हम फिल्म तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि सेट पर डायरेक्टर बुर्का पहन के आएगा। अच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं, किशोर कुमार और राजकुमार के लिए कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन बहरहाल ये है कि इस तरह से राजकुमार के साथ भी प्रकाश मेहरा की बात नहीं बनी। प्रकाश मेहरा इस फिल्म में एक और जो पैरेलल रोल था शेर खान का, उस रोल के लिए प्राण साहब को ऑलरेडी साइन कर चुके थे। अब इत्तफाक देखी कि प्राण साहब का छोटा बेटा सुनील उन दिनों मद्रास में काम किया करता था, सुनील सिकंदर, और जहां जिस जगह पर रहता था वहां पर उसका रूममेट था अमिताभ बच्चन। जब सुनील को पता चला कि उसके पिता जिस फिल्म में काम कर रहे हैं उसका हीरो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये बात उसने अमिताभ को बताई। तो अमिताभ ने सुनील से कहा कि यार मेरा भाई अमिताभ भी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है और अभी अभी उसकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, हो सके तो तू अपने पिता से उसे रिकमेंड करवा दे। सुनील के कहने पर प्राण ने प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद को कहा कि वो जाकर बॉम्बे टू गोवा देख कर आए। जावेद, सलीम, प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा देखने गए। फिल्म की शुरुआत में ही अमिताभ बच्चन का और शत्रुघ्न सिन्हा का एक फाइटिंग सीन है। उस सीन को देखते ही प्रकाश मेहरा सिनेमा हॉल में ही चिल्ला दिए, मिल गया, मिल गया, मिल गया। सिनेमा हॉल में बैठे बाकी दर्शकों ने पीछे पलटकर देखा कि कौन चिल्ला रहा है भाई। जावेद अख्तर और प्रकाश मेहरा को सीन इतना पसंद आया उन्होंने बाकी की फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं समझी और आगे की फिल्म देखे बिना ही डिसाइड कर लिया जंजीर के विजय का रोल करेगा अमिताभ बच्चन। जावेद अख्तर मेरे मेहरबान दोस्तों, आज तो उनका बर्थडे मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि शबाना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हाय, यू आर इन द स्टूडियो। जी 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 जी, हमारा बहुत सौभाग्य है, मशकूर हैं कि आप फोन पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। याद है आपको 9 दिसंबर 1984 की रात? जावेद साहब के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।